फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे में इंसेक्ट अटैक है या मिट्टी में फंगस है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा जैविक घरेलू फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी जिसके उपयोग से आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और पौधे में इंसेक्ट भी खत्म होंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता या सब्जियों वाले पौधे जिनमें कि अक्सर फूल गिरने की समस्या होती है या फिर इंसेक्ट अटैक हो जाता है, तो आप फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधे पर इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है, हरा है, लेकिन उसमें फ्लॉरिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपके प्लांट में फूल नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पौधे की सॉइल का पीएच गड़बड़ है। इसलिए आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो सॉइल का पीएच सही करे। तो इस फर्टिलाइज़र में प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस होगा, पौधे को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल सकेंगे जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उसमें फूल भी अच्छे आएंगे। इसके साथ ही मिट्टी में कभी कभी इंसेक्ट और फंगस हमें दिखाई नहीं देते हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या फिर उसमें फूल नहीं आते हैं या सब्जियां नहीं बनती हैं। तो जब ये फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में डालेंगे तो मिट्टी में मौजूद इंसेक्ट और फंगस दूर होंगे और पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेंगे, क्योंकि समय समय पर प्लांट में यदि आपको अच्छे फूल चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो उसमें इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जैविक इंसेक्टीसाइड फंगीसाइड का यूज़ करते हैं तो प्लांट की सॉइल ख़राब नहीं होती है और पौधा लंबे समय तक स्वस्थ रहता है और लगातार ग्रोथ करता रहता है। इसके साथ ही प्लांट में आम समस्या है पत्तियां पीली पड़ने की। पत्तियां पीली थोड़ी बहुत पड़ती हैं तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्लांट लगातार पत्तियां पीली करके झड़ाता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, इसका मतलब पौधे में पोषक तत्वों की कमी है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके प्लांट की पत्तियाँ भी नहीं पीली पड़ेंगी और पौधा अच्छे आकार में फ्लोरिंग करेगा। दो घर में ही मौजूद चीज़ों से मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया है, क्योंकि हमारी किचन में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यदि हम सही तरह से अपने प्लांट पर उपयोग करते हैं तो पौधे में बाज़ार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसका सही तरह से यूज़ हमें आना चाहिए। तो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले पौधे पर 2 से 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से पौधे को फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे पहला काम है, पौधे में जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनको आपको समय समय पर कट करना है, क्योंकि यदि आप ये फूल लगे रहने देते हैं तो इनको सुखाने और गिराने में सारी एनर्जी प्लांट अपनी खर्च कर देता है और पौधा नई ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें, समय समय पर सूखे हुए फूल पत्तियाँ हटाते रहें। दूसरी ज़रूरी बात, पौधे की मिट्टी को बहुत हल्का रखना है। मिट्टी एकदम जमी हुई हार्ड रहती है तो पौधे में किसी तरह का हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इसलिए मिट्टी को हल्का रखने के लिए 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आपको प्लांट की सॉइल की गुड़ाई ज़रूर करनी है। इससे पर्याप्त मात्रा में जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। यदि वाटरिंग की बात करें तो आपको ओवर वाटरिंग अपने प्लांट में बिल्कुल भी नहीं करनी है, पानी उतना ही दें जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ धूप में यूज़ ना करें, उसको आप सुबह या शाम के समय अपने प्लांट पर डालें। तो मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एक जार का इस्तेमाल किया है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेगी और इसमें मौजूद पोषक तत्व तो प्लांट की ग्रोथ और उसमें फूल लाने में हेल्प करेंगी। तो 1 लीटर पानी के लिए मैं ये क्वांटिटी बता रही हूँ, 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश टी लीफ का यूज़ किया है। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है हींग। हम सभी की किचन में ये मौजूद होती है। जितना फ़ायदा इस हींग का हमारी सेहत के लिए है उतना ही फ़ायदा प्लांट के लिए होता है। पौधे में इंसेक्ट या फंगस, चींटियाँ हटाने का ये काम करती है। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो प्लांट में फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। हमें 1/4 चम्मच, 1 छोटा चम्मच लिया है उसका 1/4 है। यदि चुटकी में माप करें तो 1 चुटकी आप हींग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमें इसमें ही मिला देना है चाय पत्ती में, और इसमें हमें 1 लीटर पानी भर देना है।
इसको ढककर सेमी शेड एरिया में रख देना है, क्योंकि हींग घुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो आपको एक रात के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देना है। फ्रेंड्स, एक रात रखने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र का पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब डालने का तरीका भी आप जान लें। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पहले हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप जब भी यूज़ करते हैं तो उसे पहले डाइल्यूट करें, उसके बाद ही अपने प्लांट पर यूज़ करें। इसको हमें छानना नहीं है। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र का आप लेते हैं उसका दो भाग हमें सादा पानी मिला लेना है। तो मैंने ये दो भाग सादा पानी ले लिया है और इसमें मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब इसको हमें अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए एक दिन पहले आप अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई कर दें, मिट्टी एकदम हल्की हो जाए, उसके बाद आपको इसको अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी डालनी है कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। जितना जड़ें अवशोषित कर पाएँ बस उतना ही आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। इस तरह से आप अपने सभी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। महीने में एक बार आप यूज़ करें, देखेंगे आपके प्लांट बहुत हेल्दी हैं और बहुत अच्छी फ्लोरिंग कर रहे हैं। थैंक यू।